हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, यानी 7 गोल्डन रूल्स, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट चाहते हो ना, अगर आप सीरियसली प्रॉफिट चाहते हो सच्ची में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और सीरियसली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, विदाउट दीज रूल्स ना, अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो देन आप प्रॉफिट में जा ही नहीं सकते। नो चांसेस, आपके कोई भी चांसेस नहीं है। आज हम यूज करने वाले हैं बाइनोमो का प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको समझाने के लिए ये रूल्स, ठीक है। तो यहां पे लाइव अकाउंट में मेरे बैलेंस आपने देख लिया है, ठीक है। आज इसी का यूज करेंगे और आपको अच्छे से ये 7 रूल समझाने वाला हूं, ठीक है। लास्ट तक देखना, लाइक अभी कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो प्यारी सी वीडियो देखने के बाद। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो ना, अभी ज्वाइन हो जाओ। क्यों? क्योंकि सारी अपडेट टेलीग्राम पे मिलती है गाइस सबसे पहले, तो अभी ज्वाइन हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ट्रेड हम कैसे प्लेस करें, हाउ वी कैन ट्रेड अ प्लेस विथ प्रॉफिट, या हम प्रॉफिट में कैसे लैंड करें। तो उसके लिए क्या सिचुएशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 7 रूल्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हम कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं, तो ये स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि गाइज अगर आप ट्रेड में लॉस करते हो, लॉस का मतलब अगर आप एक सिग्नल ओटीएम लेके आते हो, ओटीएम मतलब लॉस सिग्नल हो गया आपका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। देयर आर सर्टेन रूल्स। अगर आप ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आईटीएम सिग्नल आप लेके आओगे तभी आप प्रॉफिट में जाओगे। अगर ऐसा होता है ना कि सिर्फ आईटीएम सिग्नल आपको मिलते रहते हैं, तो एक दिन जरूर आएगा दोस्त जिस दिन आप बहुत बुरे लॉस में फंसोगे। लेकिन सीरियसली ट्रेडिंग का ये मतलब होता है, लॉस यहां पे आपका जरूर होगा, आप यहां पे सारे सिग्नल प्रॉफिटेबल नहीं ले पाओगे। आईटीएम ओटीएम यानी प्रॉफिटेबल सिग्नल और नॉन प्रॉफिटेबल सिग्नल आपको मिलते ही रहेंगे। एक सिग्नल आपका प्रॉफिट में गया, दूसरा आपका लॉस में गया, ये चीज होगी ही होगी, इट्स लाइक नेचुरल, ये होना तय है, ऐसा समझ लीजिए आप। ऐसा नहीं है आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं गाइस, आप कितने भी एक्सपर्ट हो, किसी को भी फॉलो करते हो, 100% आईटीएम ट्रेड्स आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो फर्स्ट रूल जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट रूल है वो ये कि ऑलवेज यूज स्ट्रैटजी एंड अ प्लान, ठीक है। हमेशा हमें एक स्ट्रैटजी और प्लान को फॉलो करना है। एक चीज बता दूं, इस वीडियो में बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ नया है। फर्स्ट टाइम हो ना आप चैनल पे तो आपको मजा आ ही रहा होगा। अगर आप ओल्ड यूजर हो तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए जो नया है इस वीडियो में। 7 रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, हर एक रूल्स में कुछ अलग मिलेगा आपको। तो वीडियो को देखते रहना, स्किप मत करना, बाद में कमेंट करके आप ही बोलोगे सर ये जो रूल है समझ नहीं आया, ठीक है। तो ऑलवेज यूज अ प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटजी। तो यहां पर आता हूं मैं, अगर मैं बाइनोमो का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं तो यहां पे देखो इंडिकेटर्स हमें दिए हुए रहते हैं हमेशा। यहां पे इंडिकेटर्स का क्या यूज होता है, ये हम एक स्ट्रैटेजी की तरह इन्हें यूज कर सकते हैं। यानी कि एटीआर की स्ट्रैटेजी है, आरएसआई की स्ट्रैटेजी है, सीसीआई जो मैंने अभी यूज कर रखी है वो स्ट्रैटेजी। देखो टूल्स का सेक्शन भी है, टूल्स के सेक्शन में भी हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, सेगमेंट, इलिप्स, रेक्टेंगल, और ये जो चीजें हम यूज कर सकते हैं एक लेवल बनाने के लिए। लेवल किस सेंस में, हम ये यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को यूज करके, ठीक है। तो अब देखो मैंने सीसीआई की स्ट्रैटेजी यूज कर रखी है, पैरामीटर 30 है, तो ये स्ट्रैटेजी है एक, समझ रहे हो आप। तो ऑलवेज यूज अ स्ट्रैटेजी। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के यूज करते हो, ट्रेड लेते हो, तो आपके प्रॉफिट में आने के जो चांसेस होंगे वो होंगे 0, ट्रस्ट में। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड लेते हो, आज आप प्रॉफिट में हो, कल प्रॉफिट में हो जाओगे, एक हफ्ते तक प्रॉफिट में हो जाओगे, लेकिन एक हफ्ते बाद आपके ऐसे लॉसेस शुरू होंगे कि आप 0 पे आ जाओगे, 0 पे, ट्रस्ट मी। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल कि हमें हमेशा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक प्लानिंग यूज करनी है। प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ हमें जाना है, हर एक ट्रेड पे प्लान करना है हमें। हमें एक लिमिटेड ट्रेड प्लेस करनी है एक दिन में, लेकिन वो लिमिटेड ट्रेड्स ऐसी होनी चाहिए कि हमें प्रॉफिट में लैंड करा के जाए। चलिए गाइज, अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, हमारा जो अकाउंट है यानी रियल अकाउंट है उसमें जो पैसे हैं
यानी जो डॉलर्स हैं या रुपीस हैं वो अच्छी खासी अमाउंट होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप मेरे रियल अकाउंट में बैलेंस देखोगे तो यहाँ पे है 656,926,926 रुपीज़। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप हमेशा हमेशा आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस होना चाहिए, ना कि कम बैलेंस। क्यों? इसके पीछे कितना बड़ा रीज़न है, ध्यान से सुनना। देखिए गाइज, अगर आपका अकाउंट छोटा है, सपोज़ कीजिए कि आपका अकाउंट है $50 का, तो $50 में आप अगर $10 लॉस कर जाते हैं तो वो जो लॉस है ना $10, वो बहुत बड़ा लॉस होगा। ट्रस्ट मी, समझ रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करूँगा गाइस? अगर छोटा अकाउंट है तो छोटा लॉस होगा, वो भी आपको बड़ा लॉस लगेगा, और फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। कभी भी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ इन्वेस्ट मत करो, पहले सीखो। अगर आप सीख जाते हो, यू आर इनफ कैपेबल, ये इतना मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त। अगर आप ये सीख जाते हो, इट्स ईजी। उसके बाद सीखने के बाद क्या करना है, आपको ये चीज़ें समझ आ गई, उसके बाद आप जब इन्वेस्ट करोगे ना, वेट करो। ऐसा नहीं है कि आप अभी इन्वेस्ट करना है, यू कैन वेट। आप जितना वेट चाहो उतना वेट कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स यही हैं, हर टाइम इन्वेस्ट करो चीज़ों में, ठीक है। तो आप वेट करो, वेट करने के बाद व्हेन यू फील कि अब दिस इज द राइट टाइम कि मैं इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, देन ओनली एंटर इन दिस एप्लीकेशन, बाइनरी एप्लीकेशन। देखिए गाइज, अब यहाँ पे मैं किसी को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जस्ट थिंक, मैं सिर्फ आपको इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे जब आप लॉस कर जाते हो तो वो चीज़ें बर्डन लगती है, भारी हो जाती हैं। लेकिन अगर सोचो, वहीं आपका $1,000 का अकाउंट है आपके पास, वहाँ पे आप $10 की ट्रेड लॉस कर गए तो क्या वो पॉसिबल नहीं है रिकवर करना? नेक्स्ट ट्रेड अगर आप $21-$22 की ले लोगे तो क्या वो $10 रिकवर नहीं हो जाएंगे अगर वो प्रॉफिट में चली जाती है? अगर वो ट्रेड भी आपके लॉस में चली जाती है, नेक्स्ट ट्रेड जो है आप $50 की ले लोगे, क्या अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है तो आपका टोटल अमाउंट कवर नहीं हो जाएगा? अगर वो भी लॉस में चली जाती है तो अगली ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी, अगली होगी, अगली होगी। मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड से आर्टिकल को फॉलो करूं, हमेशा $1 से आर्टिकल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जितना बड़ा अमाउंट होगा आपके अकाउंट बैलेंस में, उतना ही कम रिस्क। जितना कम अकाउंट बैलेंस उतना ज्यादा रिस्क। यहां इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो सेकंड रूल गौर से सुनाना, आपने इस पे अमल जरूर करना। चलिए गाइस, थर्ड रूल जो है उसके बारे में डिस्कस कर ले। सो गाइस, जो हमारा थर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, हमें एक मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है यार। मतलब पिछले पॉइंट में थोड़ा सा एडिशन है, पिछला पॉइंट जो था उसमें हल्का सा एडिशन है इस थर्ड पॉइंट को लेके। थर्ड पॉइंट है कि वी हैव टू यूज मनी मैनेजमेंट प्लान ऑलवेज। देखो, बिना मनी मैनेजमेंट प्लान के आप कभी प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। तो देखो क्या है, अब देखो मैंने यहाँ पे 15,000 जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है मेरे अकाउंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे ₹70 मान लो सिलेक्ट कर लिया। हमें डे वाइज प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो टारगेट करना है। 70 का मैंने अमाउंट सेट कर लिया। अब मैंने जो है ट्रेड प्लेस कर दी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और लगभग 1 मिनट की हमारी ट्रेड है जो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है। तो गाइज, एक चीज हमेशा याद रखो, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियोज। हमेशा बुरी से बुरी हमारे साथ क्या हो सकता है ट्रेडिंग में, उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मेरे पास चाहे बड़ा अकाउंट जरूर हो, लेकिन फिर भी मैं छोटे अमाउंट की ट्रेड लूंगा। रीजन, अगर मैं ये ट्रेड लॉस कर जाता हूं तो क्या होगा कि मैं उसको कवर करने के लिए कैपेबल हूं, एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में तो हूं अगर मैं उसे कवर कर लेता हूं, मैं लॉस में तो नहीं हूं। देयर आर सो मेनी पीपल्स जो छोटी छोटी गलतियां करके लॉस में आ जाते हैं, और जो मेजर गलतियां करते हैं वो मनी मैनेजमेंट प्लान फॉलो नहीं करते। प्लान क्या है मनी मैनेजमेंट प्लान? आप मिनिमम स्टेप्स के साथ जाओ, कितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, पर डे सिर्फ 1% का टारगेट रखो, 1% प्रॉफिट टारगेट पर डे। एंड जस्ट थिंक, आफ्टर थ्री मंथ्स आपका वो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा। जस्ट थिंक, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है दोस्त, छोटा प्रोसेस नहीं है, लंबी रेस है, छोटी रेस नहीं है। हमेशा ना मैराथन जो जीत के आता है ना उसको दुनिया याद रखती है, 100 मीटर वाले का नाम जो है भूल जाते हैं लोग। तो मैराथन जीतनी है दोस्तों, उसके लिए क्या ना, 3 महीने तक जाओ, स्लोली जाओ, लेकिन 3 महीने बाद आप प्रॉफिट ले लोगे, पक्का ले लोगे। अगर आप 3 महीने तक प्रॉफिट ना लेके आप जल्दी से एक ही दिन में प्रॉफिट लेने की कोशिश करोगे बिना मनी मैनेजमेंट प्लान के, तो आप पूरा अकाउंट बैलेंस यहां पे गवा दोगे। देखो वो ट्रेड जो है लॉस करके शायद हम, अब मैं यहां पे 350 की ट्रेड लेने वाला हूं, ठीक है, 350 की। और अब हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मैं अपवर्ड डायरेक्शन में लेने वाला हूं। लगभग 2 मिनट की मुझे प्लेस जो है करनी थी, बट 1 मिनट की हो गई जल्दबाजी में। ओके, सो गाइज, अब देखो 2-3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस पॉइंट में, मुझे ज्यादा एलिबरेट करने की जरूरत नहीं है कि मनी मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करो, क्या है मनी मैनेजमेंट प्लान और ये सारी चीजें। तो
आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे रिगार्डिंग मिल जाएगी। आते हैं फोर्थ गोल्डन रूल के ऊपर। सो गाइज, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, आपको अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करोगे आप अपने लॉसेस को गाइज? हमेशा ना देखो, तीन रूल जो हमने बात किए ना, चौथे रूल पे क्या है, उन तीनों रूल्स का निचोड़ आ जाता है। कैसे कि देखो यार, हमने क्या किया कि अच्छे से इन्वेस्ट भी कर दिया, मनी मैनेजमेंट प्लान भी फॉलो कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी अगर हमें लॉसेस होते हैं कॉन्टिन्यूसली, अगर आप 8 ट्रेड जो है वो हार गए, नहीं, आपको क्या करना है दोस्त, आपको पर डे एक टोटल परसेंटेज वाइज आपको एक वो रखना है, टारगेट रखना है कि भैया इतने से ज्यादा लॉस मैं नहीं लूंगा। सपोज करो आपका 1000 रुपए का बैलेंस है टोटल, तो आपको जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% का लॉसेस जो है रख सकते हो आप, इससे ज्यादा मत रखो। अगर 1000 रुपए पे 150 रुपए का आज आके दिन अगर आपको लॉस हो जाता है तो वहीं पे ट्रेडिंग बंद कर दो दोस्त। कोई कंडीशन नहीं है कि आप उसके बाद भी ट्रेड लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी आप ट्रेड लेते ही जा रहे हो, नहीं। अगर आप 2 ट्रेड हार जाते हो ना, माफी चाहूंगा, 3-4 ट्रेड अगर आप कंटिन्यूअसली हार जाते हो और आपका 15% का जो टारगेट है, आपने बड़ी अमाउंट की ट्रेड ले ली, टोटल बैलेंस का 15% आपने अचीव कर लिया लॉसेस के मामले में, लॉस आपने कर दिया, $1000 है आपके पास, $150 एक दिन के हार गए, तो चाहे भैया कुछ भी करो, आपका दिल आपको मना करे या ना करे, दिमाग मना करे या ना करे, मैं आपको मना कर रहा हूं, वहीं पे रुक जाओ, उस दिन ट्रेड मत लो। उस $150 को पहले कवर करना है आपको धीरे धीरे करके, प्रॉफिट की तो बाद में सोचना, फिर उस $150 को हमें कवर करना है, और वो हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस वाइज चीजें सारी होंगी, लेकिन अगर आपने एक ही दिन में पूरा अकाउंट खाली कर दोगे तो उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते गाइस, ट्रस्ट मी। तो ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है। अब जो है, अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ गोल्डन रूल की। सो गाइस, हमारा फिफ्थ जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है भैया, हमें मार्केट को चेक करना है बिफोर और आफ्टर द ट्रेड। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई ट्रेड प्रॉफिट में चले जाते हो उसके बाद आप मार्केट को चेक नहीं करोगे, आपको हर एक ट्रेड से पहले और बाद में मार्केट चेक करना नेसेसरी है, करना ही करना है, ट्रस्ट मी, यू हैव टू डू दैट, आपको करना ही करना है। कैसे करोगे वो भी मैं डिस्कस करता हूं। देखो अभी एक क्लियरली एग्जाम्पल मिल रहा है, अभी मैं कॉन्टिन्यूसली 3 ट्रेड हार गया हूं, मतलब 2 ट्रेड हार चुका हूं और ये तीसरी ट्रेड है, और ये भी ऑलमोस्ट मैं हारने ही वाला हूं, इवन दो मेरा जो टोटल बैलेंस है उसमें कोई फर्क पड़ा बिल्कुल ना के बराबर, 1000 रुपए का टोटल फर्क पड़ा होगा मेरे ख्याल से, 1000-1200 रुपए का, लेकिन वो प्रॉफिट में देखो अभी कैसे कवर करूंगा। देखो 3 ट्रेड में हार गया हूं लेकिन अभी मैं लॉस में हूं, लेकिन उस प्रॉफिट को कवर करने के लिए मेरे पास इतना इनफ बैलेंस है कि मैं छोटे छोटे मार्टिकल स्ट्रेस पे तुक्के भी लगाऊं ना तो भी मैं उस प्रॉफिट को कवर कर सकता हूं। एक और मैंने ट्रेड ली है, देखते हैं कि क्या होता है, कितनी ट्रेड हम कॉन्टिन्यूसली हार सकते हैं देखते हैं। सो गाइज, एक चीज बता रहा था कि हमारा जो फिफ्थ रूल है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना है यार गाइस, हमें क्या करना है ना, मार्केट को एनालाइज करना है बिफोर और आफ्टर ट्रेड। तो कैसे एनालाइज कर सकते हो आप, देखो यार गूगल पे सर्च करो इकोनॉमिकल कैलेंडर, गूगल पे नहीं मिलता है तो आप investing.com की जो वेबसाइट है उस पे जाके चेक कर सकते हो, आपको इकोनॉमिकल कैलेंडर मिल जाएगा। वहां पे क्या करना होता है ना, न्यूज चेक कर लो, इसे रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आई बटन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो क्या है गाइस, अगर आप उसको चेक करते हो ना, आपने अच्छे से चेक कर लिया इकोनॉमिक कैलेंडर को, तो वहां पे ना कोई न्यूज इंपैक्ट आया हुआ होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है, तो ये ट्रेड भी हम लॉस कर गए, ठीक है। अब हमें देखो जितना भी लॉस हुआ है उसको कवर करते हैं हम उसको डायरेक्टली, ठीक है, अभी हम $3500 की ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी मैंने कोई मार्केट एनालाइज नहीं किया गाइस, मैं कोई मार्केट एनालाइज नहीं कर रहा हूं, कुछ भी चेक नहीं कर रहा हूं, इवन दो फिर भी मैं ट्रेड ले रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, समझाते समझाते ट्रेड ले रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि अगर आप एक स्मॉल मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ जाते हो ना, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स पे जाते हो, तो एक दिन आप प्रॉफिट में ही आओगे। अगर आप एक छोटे छोटे मार्टिकल स्टेप्स के जाते हो, कितनी ट्रेड आप कंटिन्यूअसली हार जाओगे, अगर हार भी जाओगे तो इतने छोटे स्टेप्स आपके पास होंगे मार्टिकल के कि आप इन द एंड प्रॉफिट में लैंड करोगे। समझ रहा हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी हम 3-4 ट्रेड कॉन्टिन्यूसली हार गए, 3 हारे 4 हारे डजंट मैटर, ये भी ट्रेड मैंने ऐसे ही लिए, कोई स्ट्रेटजी फॉलो, सीसीआई जरूर नीचे रनिंग कर रही है बैकग्राउंड में, बट मैंने उसको बिना देखे ट्रेड लिया और ये हम प्रॉफिट कर गए, और जितना बैलेंस हमने शुरू में खोया था उससे ज्यादा प्रॉफिट ले लिया, वो भी 4 कॉन्टिन्यूस ट्रेड हारने के बाद। इससे सब कुछ साबित हो जाता है, छोटा बैलेंस कभी मत रखो अपने वॉलेट में, हमेशा ज्यादा बैलेंस रखो। वो रूल्स मैंने आपको बता दिया होगा, आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दे दिया है सारे रूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मार्केट में इंपैक्ट कैसे चेक कर सकते हो, इसकी वीडियो मैंने आपको बता दिया। चलिए गाइस, जो हमारा सिक्स्थ गोल्डन रूल है
उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो भाई सिक्स्थ रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। कैसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए अभी मैं 3 ट्रेड कंटिन्यूअसली हारा, 4 हारा माफी चाहूंगा, फिर उसके बाद भी मैंने 5वीं ट्रेड ली, वो भी मैं हार जाता, 6ठी लेता, 7वीं लेता, मैंने एक लॉस का परसेंटेज जो है वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ था कि 15% जैसे लॉस होगा तो मैं रुक जाऊंगा। अगर आप नहीं रुकते हो 15% लॉस पे तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप इमोशनल ट्रेडिंग में चले जाते हो। एंड इन द बिजनेस ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग होता क्या है कि उस कंडीशन में आप अपना पूरा अकाउंट ही खाली कर देते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर्स जिनके अकाउंट्स में देखता रहता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, तो फिर पता लग जाता है कि क्या गलतियाँ आप लोग करते हो। और मोस्ट 95% से ज़्यादा लोग ये गलती सेम दोहराते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग में चले जाते हैं। तो कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो यार, उसके लिए ना मेडिटेशन चाहिए यार, मतलब अपने आप को ना इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप पर डे इतने ही प्रॉफिट परसेंटेज के साथ जाओगे। यू शुड नॉट गो बिहाइंड द लाइन, आपको जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करना है, नहीं करना भाई, एक तरीके से समझ लो कि लक्ष्मण रेखा है वो, उसको आपको क्रॉस नहीं करना है। तो ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है बात कर रहे थे हमारे 7th और लास्ट गोल्डन रूल की, उससे पहले एक बात बता देता हूं यार, अगर आप बायनोमो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि यार विड्रॉ फास्ट चाहिए आपको या कोई इश्यू आता है इन फ्यूचर तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है वो काइंड ऑफ सॉल्व कर पाऊं, तो उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको बायनोमो का, वहां से रजिस्टर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो डिपॉजिट का और मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की जो आईडी है मेरी @avi, वहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हो और आपका स्क्रीनशॉट देखने के बाद मैं आपको एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा जहां पे आपको सिग्नल मिलने वाले हैं बैनमो के, बिल्कुल। लेकिन उसकी कंडीशन बस ये है, इस लिंक से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। सो सेवेंथ रूल पे आते हैं, तो सेवेंथ रूल का जो है पूरा कि स्टडी 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 एंड मो, मतलब जहां से आपको जो सीखने को मिलता है ना दोस्तों सीख लो। क्यों? क्योंकि गाइज मार्केट जो है ना हर एक मिनट, हर एक सेकेंड, हर एक घंटे चेंज होता रहता है। अब आप इतना कुछ कैसे कर पाओगे, तो यहां पे क्या है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, देयर आर प्रोफेशनल स्टडीज जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं कैसे आप अपने कंट्रोल कर सकते हो अपनी चीजों को और कैसे आप स्टडी कर सकते हो फर्दर इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 गोल्डन रूल है, 7वां जो रूल है इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर स्कोप के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह मैं यूज करूं, अच्छे एक पैसिव इनकम की तरह यूज करूं, ये 7 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 7ों के 7ों रूल अगर आप फॉलो करते हो, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप पक्का प्रॉफिट लेके जाओगे इस बिजनेस से। लेकिन अगर आप नहीं यूज करते तो फिर मैं नहीं कुछ कह सकता दोस्त। अगर एक भी रूल मिस हुआ ना, अगर 7th को मिस कर देते हो तो भी आप गए, 1st को मिस कर दिया तो भी आप गए, इन बिटवीन कोई रूल हटा भी दिया तो आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। ये जो रूल्स हैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इस वीडियो को शेयर करो, इतना शेयर करो कि जो लोग यहां से लॉस करते हैं ना, जिनको समझ नहीं आता क्या गलतियां करते हैं वो लोग, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। शेयर करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, 7 गोल्डन रूल है, उम्मीद करूंगा पसंद आए होंगे। और लाइक आपने वीडियो कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए होंगे, नहीं हुए वो अभी तक तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो गए, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट और एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक देखते रहो वीडियो को, लाइक करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।